बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम दो अहम तरीन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। पहला हमारा टॉपिक होगा कि पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान के कुछ जासूस और दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस कुछ अफराद को गिरफ़्तार किया गया था। खुफिया एजेंसियों ने उनको हिरासत में लिया था। किस जुर्म में उनको गिरफ़्तार किया, कहाँ से गिरफ़्तार किया, उनके नाम कहाँ थे, उनको कहाँ पर रखा गया। जाहिर सी बात है ये खुफिया मालूमात होती है, खुफिया एजेंसियों की कार्रवाइयाँ होती है तो ये आम तौर पर सामने नहीं आती। और इनका केस फ़ौजी अदालतों में चला और फ़ौजी अदालतों की कार्रवाइयाँ जो है वो मंजर आम पर नहीं आती। तो इस हवाले से किसी किस्म की कोई अपडेट किसी के पास नहीं है, ना मेरे पास मौजूद है। लेकिन इससे एक बात सामने आती है, पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तान का जो भी बुरा चाहता है वो इस मकसद से ये जहन बना कर आता है, इस सोच से आता है कि हमें बिल्कुल नहीं पकड़ा जाऊंगा, पाकिस्तान की एजेंसियां कोई काम नहीं कर रही। तो ये सोच एकतरफ़ा तौर पर मुस्तरद हो जाती है यहाँ पर कि पाकिस्तान की एजेंसियां अंदरूनी तौर पर काफ़ी एक्टिव है। पाकिस्तान के अंदर होने वाले इस किस्म के मामला जो जासूसी करते हैं या किसी किस्म की कार्रवाइयों में मुलविस होते हैं उन पर भरपूर नज़र रखी जाती है, उनको बाकायदा गिरफ़्तार किया जाता है, गिरफ़्तार करने के बाद उनको सज़ा दी जाती है और उसके बाद उनको रिहा भी किया जाता है। तो ये तकरीबन 8 से 10 लोग थे, इसमें से 5 को जो है गिरफ़्तार रिहा कर दिया गया है और रिहा करने के बाद बाकायदा तौर पर उनको भारत वापस भेज दिया गया। इनमें से एक जो जासूस था उसका कहना था कि मैंने वापस इंडिया नहीं जाना बल्कि पाकिस्तान में ही रहना है। बहुत दिलचस्प सूरत हाल पैदा होती है। इसकी वजह यह हो सकती है कि हिंदुस्तान में एक तो मईशत उनकी अच्छी नहीं है, कारोबार नहीं है, नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनके अंदरूनी हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। क्योंकि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की जो हिंदू हुकूमत है, मोदी सरकार, उनको बस यही आता है कि मंदिर बनाओ और मस्जिद तोड़ो, उसके अलावा उनकी कोई और पॉलिसी नहीं है। और उनका मीडिया जो है एक बेवकूफ़ तरीन मीडिया है जो हर वक्त पाकिस्तान के अंदर जंग करवाता रहता है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर मामला आप सबको लोगों के सामने ही है कि कैसे मामला चल रहे हैं, इस वजह से शायद वो वहाँ पर नहीं जाना चाह रहा। दूसरा इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि आप अगर किसी दूसरे मुल्क में एक जुर्म की सज़ा काट कर आ रहे हो तो आप पर दोबारा एतमाद नहीं किया जाता और आपको वहाँ के लोग नुकसान पहुँचा सकते हैं। जिस तरह हमने अभिनंदन को गिरफ़्तार किया और उसके बाद उसको वापस छोड़ा, इंडिया में उसको अवार्ड दिया गया, लेकिन अवार्ड देने के बाद एकदम से हमारे अभिनंदन साहिब जो हमारे मेहमान थे वो बिल्कुल ही मंजर आम से गायब हो गए। दूसरी हमारी स्टोरी आज की है मोटरवे जाती केस के हवाले से। आप सबको पता है, उसका बैकग्राउंड थोड़ा बता देता हूँ कि 9 सितंबर 2020 को लाहौर के एक इलाका है, गुजरपुरा उसको कहा जाता है, वहाँ से रिंग रोड लाहौर सियालकोट मोटरवे के एक मकाम पर एक औरत अपने बच्चों के साथ जा रही थी कि उसका पेट्रोल ख़त्म होता है और उसके बाद 2 सफाक दरिंदे, एक का नाम आबिद, दूसरे का नाम शफकत, ये दोनों आते हैं, गाड़ी का शीशा तोड़ते हैं और औरत को साथ वाले जंगल में ले जाकर वहाँ पर उनके बच्चों के सामने ज़्यादती का निशाना बनाते हैं। पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान का सोशल मीडिया, दुनिया का सोशल मीडिया, दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया सारा इस मामले पर आवाज़ उठाता है। पुलिस एक्शन लेती है, हर किस्म से तफ्तीश करती है, लेकिन कोई हाथ नहीं आता। बिलाखिर एक मुलजिम जिसका नाम शफकत था वो हाथ आता है, दीपालपुर ओकाड़ा के करीब से उसको गिरफ़्तार किया जाता है। एक और मुलजिम जिसका नाम वक़ार हसन बताया गया वो ख़ुद ही लाहौर के पुलिस स्टेशन CIA में पेश होता है और उस मुलजिम से मुतल्लिक मीडिया ने बहुत कहानियाँ बना दी कि उसने इसको पकड़वा दिया, उसको पकड़वा दिया, ये हुआ तो वो हुआ, वक़ार हसन ने रेप किया, इतने साल से डकैती कर रहा था। लेकिन बाद में मैंने एक इंटरव्यू देखा मुलजिम वक़ार हसन का, एक वेब चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया, यूट्यूब चैनल को, उसमें वो बता रहे कि बेचारा कि मेरा तो इनसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ था ही नहीं, मैं तो 6 बच्चों का वालिद हूँ और मैं मजालिस में जाकर वहाँ पर नोखा खानी वगैरह करता हूँ, बहुत शरीफ इंसान हूँ, इलाके में काफ़ी इज्जत थी, एक दुकान भी थी छोटी मोटी थी उसकी और यही उसका गुजर बसर था। छोटा सा बिल्कुल कमज़ोर किस्म का उसका घर था, कमज़ोर दीवारें थी, लेकिन उसको मीडिया ने, सोशल मीडिया ने कैसे उस बंदे को उछाला, कैसे व्यूज़ लिए, कैसे पैसे कमाए, कैसे रेटिंग ली, आप सब लोगों को पता है। खैर मीडिया तो पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो बड़े न्यूज़ चैनल्स है, अखबारात है, वो तो इस मामले पर बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगेगा। ना कोई पाकिस्तान में ऐसा इदारा है कि पाकिस्तान का मीडिया कोई भी झूठ बोले और उसको कंट्रोल किया जा सके या उससे पूछा जा सके भाई आपने झूठ क्यों बोला है। अलबत्ता सोशल मीडिया के ऊपर अगर इस तरह का कोई मामला होता है तो साइबर क्राइम FIA वगैरह उनको उठा के ले जाते हैं। हम बात कर रहे थे आबिद के हवाले से और शफकत को उस औरत ने पहचान लिया था, निशानदही कर दी थी, उस औरत को बाकायदा सिक्योरिटी में कैंप जेल लाया गया और शफकत के बारे में उस औरत ने कह दिया कि हाँ ये बंदा मौके पे मौजूद था। ये एक ज़रूरी अमल होता है, कानूनी प्रोसेस होता है, इससे केस मज़ीद स्ट्रॉन्ग होता है। अगला मुलजिम आबिद गायब था काफ़ी दिनों से, आबिद को गिरफ़्तार किया जाता है। आबिद की गिरफ़्तारी का मामला भी हल नहीं होता क्योंकि आबिद की गिरफ़्तारी पर जो है कीमत इनाम रखी गई थी 50 लाख। तो पुलिस का ये दावा था कि हमने उसको फैसलाबाद से गिरफ़्तार किया, लेकिन जब आबिद के वालिदैन का इंटरव्यू किया गया तो कहानी कुछ और थी। आबिद के वालिद बताते हैं कि आबिद हमारे घर आता है शाम के वक़्त और मुझे कहता है कि मैंने 4 दिन से रोटी नहीं खाई और मुझे कपड़े दे दो, जिस पर आबिद के वालिद कहते हैं कि मैंने उसको कपड़े दिए और रोटी वगैरह दी और इसी बहाने उसको मैंने वहाँ पर इंगेज कर दिया, रोक दिया। उसके बाद उन्होंने ख़ुद पुलिस को इतला दी और वहाँ पे जो सोसाइटी है, जो स्कीम है, उसके जो चेयरमैन है उसको भी इतला दी। खालिद बट उनका नाम बताया जा रहा है, जिसके बाद उनको यहाँ से गिरफ़्तार करके ले जाया गया। लेकिन पुलिस ने ऐलान कर दिया कि जनाब हमने गिरफ़्तार कर लिया, साइंटिफिक तरीके से गिरफ़्तार किया। ये तो वो इनाम पुलिस को मिल गया सीएम पंजाब की जानिब से, जो कि हक़ था आबिद के वालिद का। अभी तक इस मामले पर कोई इंक्वायरी, कोई ख़बर इस तरह गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई। लेकिन आबिद गिरफ़्तार हुआ, आबिद को लाहौर लाया गया, आबिद को दहशतगर्दी की अदालत में पेश करके रिमांड लिया गया और आज आबिद की निशानदही भी उस औरत ने कर दी। ये सबसे बड़ी ख़बर है कि आबिद को उस औरत ने पहचान लिया। अदालत के रूबरू खड़े होकर उसने कह दिया कि यही वो शख्स था जो मेरे साथ उस वक़्त ज़्यादती कर रहा था, डकैती कर रहा था, जिसने मोटरवे पर मेरी गाड़ी का दरवाज़ा तोड़ा, मुझे जंगल में लेकर जाया गया। ये वो शख्स है। इससे अब आबिद और शफकत के हवाले से अगर किसी किस्म की कोई नरमी थी या केस में उनको कोई ढील मिल सकती थी, वो इम्कान अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। एक और बात यह है कि आबिद के हवाले से जो मोटरवे का केस है, इस पर मीडिया पर पाबंदी लगा दी कि आपने किसी किस्म के कोई तज्ज़िये नहीं देने, लेकिन सोशल मीडिया पर इस हवाले से अभी तक कोई पाबंदी नहीं लगी। आबिद को अब जल्द अज जल्द इस केस का ट्रायल किया जाएगा। 2 नवंबर को अब पेशी होती है। पेशी के हवाले से जो भी अपडेट आती है वो मैं तब आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा कि क्या मामलात वहाँ पर तय पाते हैं। लेकिन आबिद अब किसी सूरत बच नहीं सकता, ना शफकत बच सकता है। उन दोनों की सज़ा जो भी कानूनी सज़ा होगी, जाहिर सी बात है। इससे पहले हमने इमरान का केस देखा, कसूर वाला ज़ैनब का केस जो था, उसको भी जो सज़ा मिली आप सबको पता है। ये तो ज़ाहिर है इनके हालात भी वैसे ही होंगे। अलबत्ता सरेआम फांसी की जो डिमांड पब्लिक की जानिब से की जा रही है, मजहबी तबकों की जानिब से की जा रही है, सिविल सोसाइटीज़ की जानिब से की जा रही है, पाकिस्तानी आवाम की जानिब से की जा रही है, वो सूरत हाल अभी तक वाजे नहीं हो सकी और ऐसा अभी तक कुछ मुमकिन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। एक और वाक़या मैंने नोट किया कल फैसलाबाद में। जीसी यूनिवर्सिटी की एक तालबा के साथ एक उसके क्लास फेलो ने ही एक ज़्यादती कर दी। कैसे कि उसको अपने गांव चनियोट लेके गए कि वहाँ पर एक फंक्शन है, तकरीब है, वहाँ पर हमने जाना है, ज़रूरी है, जिस तरह आमतौर पर स्टूडेंट्स जाते हैं। तो वहाँ पर ले जाकर उसने अपने 3 मज़ीद दोस्तों को बुलाया और गन पॉइंट पर यानी कि असलहे के ज़ोर पर उसके साथ ज़्यादती की, वीडियोस बनाई बाकायदा तौर पर। वो लड़की वापस आती है, अपने वालदैन को बताती है, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाती है और अब तक की जो इतलात है उसके मुताबिक एक तो सीएम पंजाब और आईजी पंजाब ने इस मामले का मुकम्मल तौर पर नोटिस लिया है, पुलिस एक्टिव है, गिरफ़्तारी के लिए छापे मार रही है और एक मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया गया है और उसके मोबाइल से वो वीडियोज़ भी बरामद हुई है। अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आबिद का केस चल रहा है, फांसी के मुतालबे हो रहे हैं, दूसरी जानिब रेप पे रेप हो रहा है। आबिद के केस जिस दिन हुआ उसके अगले दिन ही भी पाकिस्तान के किसी न किसी कोने में रेप हो चुका होगा, जिससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि फांसी हल नहीं है, एजुकेशन हल है। एजुकेशन अगर देंगे तो इंशाल्लाह ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। मज़ीद जो भी अपडेट आती है इस मामले में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।